हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक मैग्नेट्स मींस चुंबक। सो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई। सो मोर देन 2000 इयर्स एगो ग्रीक discover deposits of a mineral that was a natural magnet. लगभग 2000 साल पहले ग्रीक ने एक नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, जिसके डिपॉजिट, जो ये मिनरल की डिपॉजिट, उनकी डिस्कवरी की, खोज की, जो क्या था, वास्तव में एक नेचुरल मैग्नेट था, एक प्राकृतिक चुंबक था। तो जो मिनरल है, ठीक है, मिनरल को आज हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। मिनरल इज नाउ कॉल्ड मैग्नेटाइट। इन द 12th सेंचुरी चाइनीज सेलर यूज्ड मैग्नेटाइट टू मेक कंपासेस दैट इम्प्रूव्ड नेविगेशन। तो 12th सेंचुरी में जो चाइनीज सेलर थे, उन्होंने मैग्नेटाइट को यूज़ किया कंपास बनाने के लिए, जिससे क्या हुआ, जो पथ प्रदर्शन है, ठीक है, रास्ता जो हम ढूंढ सकते थे, वो बहुत अच्छा हुआ उस फील्ड में। ये एक, मतलब इसका यूज़ किया हुआ अच्छा साबित हुआ, और पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने जो एक कंपास बनाया मैग्नेटाइट यूज़ करके, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक नीडल यूज़ करके। तो ये क्या रहा, मतलब ये बहुत ही अच्छा उन्होंने कंपास बनाया नेविगेशन के लिए। तो जो मैग्नेट है हमारा, इसका जो नेम है, ये कैसे पड़ा, हाउ डिड मैग्नेट्स गेट दियर नेम, मैग्नेट को ये नाम कैसे मिला। तो क्या है कि जो 3000 साल पहले जब इसकी खोज हुई, तो जो मैग्नीशिया है ग्रीस, ठीक है, मैग्नीशिया इसके नाम से, और सबसे पहले जो मैग्नेटिक रॉक, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक रॉक सबसे पहले जो प्राकृतिक नेचुरल है, वो है हमारी लोडस्टोन। और क्या है, मेड अप ऑफ आयरन बेस्ड मटेरियल, और किससे बनी है, आयरन बेस्ड मटेरियल से बनी है। तो जो इसकी इन्वेंशन है, ठीक है, इसकी जो इसका जो नेम पड़ा, तो क्या हुआ, एक उपाख्यान के अकॉर्डिंग, एक लीजेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, द मे द फर्स्ट मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रीक शेफर्ड नेम्ड मैग्नीस, ठीक है। एक ग्रीक का एक ग्वाला था जिसका नाम मैग्नीस था, वो क्या करता था, अपने कैटल्स को चराने ले जाता था। तो वो हमेशा अपने साथ एक आयरन टिप की स्टिक, छड़ी लेकर जाता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो जा रहा था माउंटेन, ठीक है, वन डे एज ही वॉज वॉकिंग अप अ माउंटेन हिज स्टिक टच्ड अ ब्लैक रॉक। जैसे ही उसने क्या किया, एक बार वो माउंटेन पर गया अपनी स्टिक के साथ, तो उसकी स्टिक को उसने स्टिक से क्या करा, ब्लैक रॉक को टच किया, ओके, एंड एज ही ट्राइड टू रिमूव इट, और जैसे ही उसने इसे हटाने की कोशिश की, तो इट डिड नॉट कम ऑफ इजीली, ये आसानी से वापस नहीं है। तो द स्कॉलर्स रिसर्च्ड, ओके, स्कॉलर्स रिसर्च्ड मोर अबाउट द रॉक एंड फाउंड दैट इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। तो जो विद्वानों की रिसर्च है, उसके बाद जो रॉक्स हैं, इसके बारे में पता लगाया गया कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका गुण है, ठीक है, वो क्या है, अट्रैक्ट करना, आयरन को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो द नेम जो हमारा क्या है, जो हमारी ये मैग्नेटाइट है, ठीक है, जो हमारा मैग्नेट है, तो ये कह रहे हैं द नेम्ड रॉक मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नीस द शेपर्ड हु डिस्कवर्ड इट, ठीक है। इसका नेम जो पड़ा, वो उस मैग्नीस जो एक शेपर्ड था, उसकी खोज के बाद ही इसका नेम मैग्नेट पड़ा। एंड अ रिवोल्यूशन केम इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट की खोज के बाद
साइंस में और जो हमारी टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में क्या हो गई, बहुत बड़ी क्रांति आ गई। तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, वह पदार्थ जिसके अंदर क्या है, लोहे को, आयरन लोहे को अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का गुण होता है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। और फिर जो मैग्नेट है, अब ये भी क्या है, टू टाइप्स में डिवाइड होता है। तो मैग्नेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रेंस, मतलब कि उनकी एक्रेंस के किस रूप में पाए जाते हैं, नेचुरली भी और आर्टिफिशियल भी, इस अकॉर्डिंग उन्हें टू कैटेगरी में रखा गया है। तो अब जो चुंबकत्व होता है वो क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व क्या है। तो जो नेचुरल मैग्नेटिज्म है, ठीक है, जो नेचुरल मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है सम आयरन रिच मटेरियल्स, ठीक है, जो लौह युक्त तो पदार्थ हैं, ठीक है, उनका एक गुण है। सभी जो क्या है, प्राकृतिक चुंबकत्व, ठीक है, जो प्राकृतिक चुंबकत्व है ये लौह युक्त पदार्थों का एक गुण है, ओके। सो मैग्नेटाइट जो है, ठीक है, इसका नेम्ड फॉर एंशियंट ग्रीक सिटी ऑफ मैग्नीशिया नाम तुर्की इन एशिया माइनर विच हैड मैनी डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का जो नाम है, माइनर में प्राचीन ग्रीक शहर मैग्नीशिया के लिए रखा गया है, मतलब उसके नाम पर, जिसमें मैग्नेटाइट के कई भंडार थे। तो रॉक्स कंटेनिंग मैग्नेटाइट अट्रैक्टेड मटेरियल्स मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, तो जो रॉक्स कंटेनिंग है, जिसमें मैग्नेटाइट है, ये क्या कर रहा है, मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है, किस मटेरियल को, जो क्या है, आयरन से बने हुए हैं। एज यू कैन सी हियर देयर इज द रॉक्स विच इज अट्रैक्टेड आयरन मटेरियल, आयरन नील्स, आयरन फिलिंग्स, ओके। देन द चाइनीज यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट टू मेक द फर्स्ट कंपास विच वर अ बिग हेल्प इन द डेवलपमेंट फॉर नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन। तो जो चाइनीज थे, उन्होंने मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया और सबसे पहले कंपास बनाया, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की किसके डेवलपमेंट में, नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि पथ प्रदर्शन और जांच पड़ताल के लिए, ठीक है, जो हमारे नेचुरल मैग्नेट हैं। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि मैग्नेट जो हैं वो टू टाइप्स में होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर अकरेंस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मैग्नेट जो है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट इज अ मैग्नेट फाउंड इन नेचर। ऑल नेचर्स मैग्नेट आर परमानेंट मैग्नेट्स विच मीन्स दैट दे विल नेवर लॉस दियर मैग्नेटिक फोर्स। तो जो प्राकृतिक चुंबक हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से यहाँ पाए जाते हैं, ऐसा चुंबक, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, तो नेचुरल मैग्नेट हो गया, और सारे जो मैग्नेट हैं, नेचुरल मैग्नेट हैं जो, तो वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जिन जिसका मीन्स ये कि उनकी जो मैग्नेटिक फोर्स है, उनका जो चुंबक चुंबक के बल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, ओके। सो सबस्टांसिस दैट मेड ऑफ आयरन मटेरियल इज नेचुरली मैग्नेटाइज बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज मैग्नेटाइट और लोडस्टोन्स। तो जो लोहे की जो सामग्री से बने पदार्थ हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्राकृतिक रूप से चुंबक, मतलब चुंबकित होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो मैग्नेटाइट और लोडस्टोन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स कैन बी फाउंड इन द सैंडी सेडिमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हम पूरे जो विश्व है उसके अलग अलग सभी जगहों पर क्या है, सैंडी सेडिमेंट्स के रूप में ही ये पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट इज मैग्नेटाइट, जो कि एक मैग्नेटिक आयरन ओर है, ठीक है, चुंबकीय लौह अयस्क है। दिस मिनरल इज़ ब्लैक इन कलर एंड वेरी शाइनी व्हेन पॉलिश्ड। और ये मिनरल जो है, क्या है, रंग में काला होता है और पॉलिश किए जाने पर बहुत ज़्यादा चमकता है। इन फैक्ट दिस मैग्नेट वॉज यूज इन द वेरी फर्स्ट कंपासेस
ever made. Since natural magnets are permanent magnets, if the magnet is allowed to rotate freely, it will be oriented in the Earth's magnetic field. ओके तो क्या कह रहा है, जो मैग्नेट है इसका यूज सबसे पहले, जैसे कि मैंने पढ़ा कि कंपास में कंपास को बनाने के लिए किया गया, और जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं. अगर कोई मैग्नेट क्या किया जाए उसे, मतलब जो मैग्नेट है ठीक है, वो फ्रीली रोटेट हो. ओके तो क्या होगा कि जो उसका वो हमेशा क्या करेगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ओर उन्मुख होगा, यानी कि उसकी उसी की ओर जाएगा ठीक है, उसी डायरेक्शन में जाएगा. किस डायरेक्शन में? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ओर ठीक है. सो अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट. अर्थ को क्या कह रहा है कि एक जाइंट मैग्नेट है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अर्थ है क्या है, अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है, जो क्या है, सराउंडेड अर्थ ठीक है. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट सराउंड अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र है ठीक है, जो क्या करता है, पृथ्वी को घेरे रहता है ठीक है. इट इज समटाइम कॉल्ड द जियो मैग्नेटिक फील्ड, और इसे कभी कभी भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है. एंड इट इज क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड अर्थ कोर. और ये कैसे, मतलब कैसे क्रिएट होता है, क्या पृथ्वी के कोर के घूमने से बनता है ठीक है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है. इट शील्ड्स द अर्थ अगेंस्ट हार्मफुल पार्टिकल्स इन स्पेस, और ये अंतरिक्ष में हानिकारक कणों से पृथ्वी की रक्षा करता है. कौन? ये ही मैग्नेटिक फील्ड. ओके नेक्स्ट है हमारा, अभी तक मैग्नेटाइट या जो लोडेस्टोन है ठीक है, लोडेस्टोन इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो लोडेस्टोन क्या है? लोडेस्टोन ही हमारा मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है. तो कह रहा है देयर आर मैनी लीजेंड्स दैट टेल्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स ठीक है, बहुत सारे उपाख्यान हैं जो हमें मैग्नेट की खोज के बारे में बताते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज दैट द एन एल्डरली शेफर्ड ने मैग्नेट्स हु इज हर्डिंग हिज शिप इन एन शीप इन एरिया इन द नॉर्थन ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया अबाउट 1000 years ऑफ एगो. मतलब अलग अलग उपाख्यानों में अलग अलग तरह से दिया है, बट तो नेम यही है कि जो मैग्नीस था ठीक है, और वो अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था, तो उसने ही सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी, और उसी के नेम पर ही जो है इसका नेम रखा गया. ओके तो लॉडस्टोन जो है क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है ठीक है. और मींस क्या हुआ इसका, कि मतलब लीडिंग स्टोन ओके, और यूज्ड इन कंपासेस पॉसिबली बाय लाइटनिंग, मेड बाय लाइटनिंग, और नेचुरल मैग्नेटिक इग्नियस रॉक्स ठीक है, इसे हम स्वाभाविक चुंबकीय अग्नि चट्टान भी कह सकते हैं ठीक है. और ये फाउंड, अब जैसा कि भी हमने पढ़ा कि कहाँ, ब्लैक सैंडी बीचेस और डेजर्ट में ये पाया जाता है. ओके नेक्स्ट जो हम हमारा क्या है, जो मैग्नेट है ठीक है, अक्रेंस के बेस पर, वो क्या है, टू कैटेगरी में, यानी टू टाइप्स होता है, नेचुरली ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है ठीक है. अब जो प्रॉपर्टी और मैग्नेटिज्म है ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टी है चुंबकीय है ठीक है, चुंबकत्व की जो प्रॉपर्टी है क्या है, कि जो मैग्नेटिज्म है वो क्या है, एक फोर्स है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ठीक है, आयरन निकेल कोबाल्ट ठीक है, किसे अट्रैक्ट कर सकता है, आयरन निकेल एंड कोबाल्ट. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट ओके, तो जो कॉम्बिनेशन है ठीक है इन मेटल्स का, एज अलॉयज ठीक है, एज अलॉयज यानी कि मिश्र धातु के रूप में, तो ये क्या है, परमानेंट सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिज्म, ये चुंबकत्व के क्या है, परमानेंट सोर्सेज हैं. तो जो लोडस्टोन है, एक मैग्नेटाइट है, लोडस्टोन इज द मैग्नेटाइट दैट हैज द केमिकल फॉर्मूला ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है लोडस्टोन का, एफ
Fe3O4, इसे हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं, तो एज यू कैन सी हेयर देयर इज बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। सो दिस इज द निडल विच इज यूज्ड इन द कंपास फॉर द नेविगेशन एंड फॉर द पॉइंट ऑफ नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ओके, सो नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, देयर इज टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या है, दीज मैग्नेट्स अकर नेचुरली इन नेचर, दे मोस्टली अकर्स एज द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो वह चुंबक जो क्या है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट हो गए। और ये क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट मोस्टली क्या है, इनकी अक्रेंस क्या होती है, रॉक्स की, ठीक है, रॉक्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये क्या है, मैन मेड मैग्नेट है। दीज मैग्नेट्स आर मेड बाय मैन, दे आर कास्ट इन टू डिफरेंट शेप। ओके, एज यू कैन सी हेयर देयर इज डिफरेंट शेप एंड साइज, दीज मैग्नेट्स आर मच स्ट्रोंगर देन द मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, ये नेचुरल मैग्नेट से की कंपेरिजन में स्ट्रोंगर बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या कह रहा है कि हम क्या करें, स्पेस, ठीक है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है, मैग्नेट को जो जो वह स्थान जो मैग्नेट को क्या कह रहा है, चारों ओर से घेरता है, तो इसका प्रभाव, ठीक है, इसके उसके इस प्रभाव को ही क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, उसके इस प्रभाव को जो महसूस किया जा रहा है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ओके, मींस सपोज क्या है, कोई सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट के जो चारों ओर का प्लेस स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका प्रभाव यानी कि इसके अट्रैक्शन को जहाँ तक हम महसूस कर सकते हैं, तो दैट प्लेस दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है इसको। इफ अ पीस ऑफ आयरन इज कैप्ड आउटसाइड दिस स्पेस, ओके, सो क्या कह रहा है, अगर हम इस स्पेस में क्या करेंगे, कोई आयरन पीस, ठीक है, कुछ लोहे के टुकड़ों को रखेंगे इस स्पेस के बाहर, ठीक है, स्पेस के बाहर, तो क्या होगा, इट वॉ अगर इस स्पेस के बाहर रखेंगे, इस स्पेस से कहीं दूर रख देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेट, ये हो गया यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस हो गया, और अगर हम इसे दूर रख देंगे, ठीक है, तो क्योंकि इसका तो इफेक्ट सिर्फ यहाँ तक है ना, और अगर हम कहीं दूर रख देंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, इट वॉन्ट गेट अट्रैक्टेड। द मैग्नेटिक फील्ड में वरी अकॉर्डिंग टू शेप साइज एंड टाइप ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, इनका शेप साइज और ये टाइप, जो भी इनका टाइप्स, ठीक है, उसके बेस पर ही क्या होते हैं, उस अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, आई होप यू कैन अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल एंड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई new upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you.